हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ट्विंकल देवानी है। वेलकम टू यम केक्स। आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट केक, मिक्स फ्रूट केक। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी विप क्रीम को बीट करके रखा है। उसमें मैंने पाइनएप्पल, मैंगो और स्ट्रॉबेरी का एसेंस डाला है। और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स थोड़े चॉप करके रखे हैं। मैंने ब्लैक ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स, प्रोमोग्रेनेट, एप्पल, चेरी, कीवी, चीकू, मैंगो एंड ये अलग से ये भी रखे हैं ताकि ये ऊपर डेकोरेशन में काम आए। सो, अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो मैंने फ्रूट्स जो हमने चॉप करके रखे थे उसको मैंने शुगर सिरप में सोक करके हाफ एन आवर रखा था साइड में, तो उसका जो बचा हुआ पानी रहता है वही हम सोकिंग के लिए यूज़ करेंगे। वो बचे हुए पानी में मैंने थोड़ा तीनों क्रश डाले हैं, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल एंड मैंगो। एंड इवन हम लोग क्रीम में हम लोग थोड़ा सा क्रशेस डालेंगे तीनों के तीनों, ताकि और फ्लेवर उठ के आए उनका। सोकिंग करना इज़ वेरी कंपल्सरी, क्योंकि अगर हम सोक नहीं करेंगे तो क्रीम से वो मॉइस्चर, अपना जो केक का ब्रेड रहता है ना, क्रीम से पूरा मॉइस्चर निकाल लेता है। ठीक है, तो उसको सोकिंग बहुत ज़रूरी है ताकि अपना क्रीम भी सॉफ्ट रहे एंड केक भी सॉफ्ट रहे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर लगाया। इसके बाद हम ऊपर हमारे जो मिक्स फ्रूट है जो हम लोग चॉप करके रखे थे, मैंने उसको मिक्स करके रखा है एंड वो हम ऊपर डालेंगे। इसके बाद हम वापस थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे ताकि स्पॉन्ज जो हम लोग और एक ऊपर ले रखेंगे तो उससे थोड़ा सा चिपक के रहे। ठीक है, नेक्स्ट सेम हम लोग करेंगे, स्पॉन्ज रखेंगे, क्रीम डालेंगे, क्रीम में हम लोग तीन क्रशेस डालेंगे एंड अगेन फ्रूट्स डालेंगे एंड कवर विथ क्रीम अगेन। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज में एसेंस डाला है, इवन क्रीम में भी एसेंस डाला है। आपको कंपलसरी नहीं है, अगर आपको एसेंस नहीं डालना है तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हो। मिक्स फ्रूट अपना फ्लेवर खुद ही दे देता है। क्रशेस मैंने डाला है, आपको नहीं डालना है तो आप नहीं डाल सकते हो, आप एक्सक्लूड कर सकते हो। ये चीज़ सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवरफुल करती है, थोड़ा सा रिच कर देती है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए डालते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं डालना है, आपके पास नहीं है एसेंस, नहीं है क्रशेस सारे, तो मत डालो, कोई इशू नहीं है। मैं मोस्टली मालास कंपनी का क्रशेस यूज़ करती हूँ, बिकॉज उसमें आपको फ्रूट्स के लिटिल बिट चंक्स भी मिलते हैं, वेरी रिच होता है। ठीक है, अभी हम वापस लेयर कंप्लीट करके हम फिनिशिंग करेंगे। ये हमने एक लास्ट लेयर डाल दिया, अभी हम क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट करना इज़ वेरी कंपलसरी, क्योंकि बिगिनर्स लोगों के लिए वेरी कंपलसरी है, ताकि हम लोग जो ब्रेड के क्रम्स निकलते हैं ना, तो वो बंद हो जाते हैं, वो सील हो जाते हैं क्रीम से। थोड़ा सा क्रीम लेना है, पूरा क्रम कोट करना है, उसके बाद आपको नया क्रीम ले के उसको फिनिशिंग देनी है। ठीक है, तो अच्छा क्रीम रहेगा, बेटर है। अब जो जैसे हम लोग यूज़ करते हैं पैलेट नाइफ केक के ऊपर, तो आपको है ना वो उसको क्लीन करते जाना है। ठीक है, वही क्रीम में यही पैलेट नाइफ नहीं डालना है, क्योंकि फिर वो क्रीम बिगड़ जाएगी, उसमें थोड़े चंक्स आ जाएंगे, केक के क्रम्स आ जाएंगे, तो इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो फिनिशिंग में वो सब दिखाई देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, बोर्ड क्लीनिंग इज़ ऑल्सो वेरी कंपलसरी, आपको क्लीन करना है, ताकि है ना हम लोग जो बाहर फ्रॉस्टिंग जो करेंगे उसमें कुछ बोर्ड पे घिरा हुआ हो, मैसी हो, तो वो क्रीम में ना लगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने साइड से स्टार्ट किया है, आपकी मर्ज़ी, आप ऊपर से भी क्रीमिंग कर सकते हो या फिर साइड से भी कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ मैं लगाने का काम कर रही हूँ क्रीम। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कि मैं प्लेन करते जा रही हूँ, फिनिशिंग देते जा रही हूँ, नहीं, पहले लगाओ पूरा। ठीक है, सब जगह लगाओ, उसके बाद आपके पास एक टूल होगा स्क्रेपर करके,
ठीक है। स्क्रेपर या तो आप प्लास्टिक का ले सकते हो या तो स्टील का ले सकते हो, कौन सा भी आपको जो कन्वीनियंट या फिर इजी लगे यूज़ करने के लिए तो आप वो ले सकते हो। यहाँ पे मैंने स्क्रेपर लिया है, मेरे पास स्टील का है तो मैंने ये यूज़ किया, इससे ही आपको फिनिशिंग मिलेगी। ठीक है, स्क्रेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टर्न टेबल हेल्प करेगा, आपको एक ही जगह रखना है 45 डिग्री एंगल में और सब घुमाते रहना है। ठीक है, मेरे पास ये 3 साइड्स डिज़ाइन वाला स्क्रेपर है, इजीली आपको मिल जाता है। इसमें ट्रायंगल का भी स्क्रेपर्स मिलते हैं, तो आपको इजीली मार्केट में अलग अलग डिज़ाइन के स्क्रेपर्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ऊपर भी ऐसा डिज़ाइन करना था और नीचे भी ऐसा डिज़ाइन करना था, तो जब ऊपर और नीचे करते तो पहले हमेशा ऊपर करते। ठीक है, ऊपर ये क्यों करते पता है, क्योंकि साइड्स में जब हम लोग वापस करेंगे तो जो क्रीम रहेगा वो थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, तो उससे फॉल्ट लाइन इफेक्ट क्रिएट होता है, वो फॉल्ट लाइन इफेक्ट में हम गोल्ड ब्रशेस कर सकते हैं, सो वो डिज़ाइन उठ के आता है वो चीज़। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे ना ये प्लेन वाइट कलर है मेरे क्रीम का, तो मुझे इसमें ना थोड़ा सा कलर देना था, तो मैंने यहाँ पे है ना येल्लो ऑरेंज एंड रेड कलर यूज़ किया है। सो मैंने पैलेट नाइफ लिया, उसमें रेड येल्लो और ऑरेंज डाला एंड मैंने सिर्फ साइड में लगाया एंड वही चीज़ मैं ऊपर लगाऊंगी। जितना कलर लगेगा वो सिर्फ एक जेल ड्रॉप डाला, एक ही ड्रॉप डाला, एक ड्रॉप जेल, रेड कलर, ऑरेंज एंड येल्लो। ठीक है, फिर वापस मैंने डिज़ाइन वाला स्क्रेपर से किया ताकि वो डिज़ाइन मुझे चाहिए था, वैसे ही साइड से किया। ठीक है, तो साइड्स एंड ऊपर का भी एक डिज़ाइन आ गया। अभी फ्रूट केक में ये कलर बहुत बहुत प्रिटी लगता है। सो यहाँ पे मेरे पास जो बचा क्रीम था उसमें मैंने रेड कलर का एक जेल ड्रॉप डाला एंड नीचे का, वैसे भी हम लोगों ने रेड कलर का शेड था तो रेड अच्छा उठ के आएगा, तो सिर्फ मैंने 6-स्टार नोज़ल दिया है एंड सिर्फ उसे पाइप करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिल्वर डस्ट फुसफुस मारा है। ठीक है, ये थोड़ा केक को एक हाईलाइट कर देता है एंड अब हम गोल्ड पेंट करेंगे फॉल्ट लाइन में। ठीक है, तो उसके लिए आपको गोल्ड डस्ट लेना है एंड इवापोरिक्स। सो हम लोग ये सिर्फ डैब डैब करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ठीक है, तो ये करने के बाद इसे हम रेफ्रिजरेट करेंगे। फ्रूट्स अभी नहीं लगाएंगे बिकॉज़ कस्टमर को देने के 1/2 आवर पहले हम लोग लगाते हैं फ्रूट्स एंड फ्रूट्स के ऊपर आपको न्यूट्रल जेल लगाना है ताकि फ्रूट्स फ्रेश रहे। ठीक है, बिकॉज़ अगर हम लोग कट करके हम लोग ओपन रखते हैं वो थोड़े उसके कलर शेड डल हो जाते हैं, तो न्यूट्रल जेल, पानी वानी नहीं डालना उसमें, सिर्फ न्यूट्रल जेल उसको ब्रश कर दो एंड फिर आप लगाओ, डेकोरेट करो। ठीक है, तो ये करने के बाद इसे मैं फ्रिज में रखूँगी, बॉक्स में रखूँगी, ओपन नहीं रखूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।